कर्म का मतलब केवल व्यापार नहीं है. द बिजनेस विच यू डू दैट इज नॉट जस्ट द कर्म. लेट मी बी वेरी क्लियर. लोग कहते मैं चैरिटी करता हूं. चैरिटी कर्म योग का एक हिस्सा है एंड एवरीथिंग इज चैरिटी. यहां बैठना भी वेलफेयर है. आप समझोगे महाराज जी आप बकड़ बकड़ कर रहे हो इसमें क्या वेलफेयर है. मैं अगर यहां बैठकर आपको पानी पिला रहा होता तो विज्ञान कहता है पानी आपके शरीर में एक दिन तक रहता है. मैं अगर आपको यहां बैठकर भोजन खिला रहा होता तो भोजन आदमी के शरीर में 3 दिन तक रहता है. पर इस मंच से मिली कोई एक अच्छी बात आपके जीवन में अंतिम श्वास तक रह सकती है. सुभाषित का दान सबसे बड़ा है. अब बताओ कौन सा बड़ा वेलफेयर है. यहां से अगर एक इंस्पिरेशन मिल गई, यहां से अगर कभी आपको जीवन में किसी महत्वपूर्ण दिन इस कथा ने आपको अगर झूठ बोलने से बचा लिया, क्या इससे बड़ा कोई वेलफेयर हो सकता है. वो कर्म योग का एक हिस्सा है. पर बस वो ही कर्म नहीं है. एक और चीज समझिएगा, मैं बहुत सारे आज पहलू रखने वाला हूं और टेक्निकल भी हैं, तो आई नीड योर अटेंशन. गीता ने मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा. मैं अभी श्लोकों पर नहीं जा रहा, एक पूरा एनालिसिस आपके बीच व्यक्त कर रहा हूं. आज का श्लोक मुख्य है, पर जब तक कर्म नहीं समझाऊंगा तब तक कृष्ण की यह बात कैसे समझ में आएगी कि अपना कर्म कर. कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. पहले कर्म तो समझिए फिर बात करेंगे कि अपना कर्म कर और फल छोड़ो. पहली बात, देर इज नथिंग लाइक, गीता कहती है नथिंग लाइक गुड कर्म और बैड कर्म. कर्म इज कर्म. गीता ने 3 हिस्सों में बांटा, सारे के सारे विषय को 3 हिस्सों में वितरित किया. कर्म, विकर्म और अकर्म. कर्म करेक्ट एक्शन, विकर्म फॉरबिडन एक्शन और फॉरबिडन कर्म, और अकर्म मतलब इनएक्शन. कर्म से निवृत्ति अकर्म है. गलत कर्म विकर्म है और ठीक कर्म कर्म है. तो कर्म का मतलब है ठीक करना. पहली बात, जब तक आप ठीक काम नहीं कर रहे इसका मतलब आप कर्म भी नहीं कर रहे हैं. ये गीता का एनालिसिस है. एक जनरल कर्म के प्रति जीव का विचार है. कर्म का मतलब होता है समवेयर क्लोज टू व्हाट न्यूटन हैव सेड, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. न्यूटन ने कहा हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है. जो उसने कहा वो बिल्कुल ठीक है, बस एक ही अंतर है. उसने कहा इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. हम ऑपोजिट रिएक्शन को मानते हैं पर उसकी इक्वलिटी को नहीं मानते. बिकॉज इट कैन चेंज, इट कैन नॉट बी इक्वल, इट कैन चेंज. तीसरी बात महत्वपूर्ण समझिएगा, बहुत ध्यान चाहिए आपका. कर्म का मतलब केवल एक्शन नहीं है. कर्म का एक मतलब यह भी होता है द मोटिव बिहाइंड योर एक्शन. मोटिव बिहाइंड योर एक्शन, करने के पीछे का आपका लक्ष्य क्या है. एक डाकू के पास भी चाकू होता है और एक डॉक्टर के पास भी चाकू होता है. मजे की बात यह है कि दोनों ही मुंह भी ढक कर आते हैं और डॉक्टर तो कुछ ज्यादा ही ढका होता है, कुछ दिखता ही नहीं है. इधर से भी ढका, इधर से, वेल ढका हुआ, बहुत अच्छी तरह ढका हुआ, ऊपर से नीचे तक ढका हुआ, हाथ भी सब. मजे की बात यह है कि पेट दोनों ही काटते हैं.
एक्शन एक सा है, पेट दोनों नहीं काटा, पर दोनों के मोटिव में बहुत डिफरेंस था। जब डकैत काट रहा है आपको मारने के लिए और डॉक्टर काट रहा है आपको बचाने के लिए, जब डकैत ये काम करता है तो आप पुलिस को फोन करते हो, भाई वो बचाओ, और जब डॉक्टर ये काम करता है तो डॉक्यूमेंट पे साइन भी कर देते हो, मर गए तो तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। आपके एक्शन के पीछे का आपका उद्देश्य, ये कर्म है कि ये विकर्म है कि ये अकर्म है, इसका निर्णय करता है। आपका मोटिव डिसाइड करेगा कि जो आपने एक्शन किया वो आपने कर्म किया मींस द राइट एक्शन, कि आपने विकर्म किया द फॉरबिडन एक्शन, कि आपने अकर्म किया, इट वॉज एन एक्शन, यू हैव डन समथिंग बट स्टिल इट वॉज एन एक्शन, देर वॉज नो एक्शन। वहां कर्ता का भाव, वहां निमित्त का भाव था, निमित्त थे तुम। इन एक्शन का मतलब किया मैं नहीं, पर वो निमित्त था, मैं उसका भोक्ता नहीं था। तो आपका मोटिव निर्णय करता है कि आपने जो एक्शन किया वो कर्म है कि वो विकर्म है कि वो अकर्म है। धर्म की जरूरत मोटिव पर पड़ती है, इसलिए कल के बाद आज की कथा हो रही है। पहले कर्म की बात नहीं हुई, पहले धर्म की बात हुई। धर्म आपके मोटिव को बैलेंस कर सकता है कि आप जो मोटिव हो उसमें धैर्य होना चाहिए, उसमें मोटिव में अक्रोध होना चाहिए, मोटिव में सत्य होना चाहिए, मोटिव में परोपकार होना चाहिए। धर्म के 10 लक्षण जो मैंने कहे, अगर आपके मोटिव में वो 10 बातें हैं तो आपका एक्शन कर्म है। थोड़ा विषय इंटेलेक्चुअल है पर ध्यान से सुनिएगा। आप इस कृत्य को क्यों कर रहे हो, यही कर्म की परिभाषा है।